कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने करवा के लिए मेकअप किया है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कैसे मैंने ये लुक क्रिएट किया है, अगर आपको ये लुक अच्छा लगता है तो वीडियो को बिना टूल्स के, बिना कोई ब्रश के और ना ही ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने हाथ से ये माली में और करवा में दोनों में भी आप ऐसा मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और गॉर्जियस मेकअप निकल के आया है। बहुत कम मैंने इसमें मेकअप टूल्स कोई वगैरह यूज नहीं किया है। चौथ आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो करवा में किसको नहीं लगता कि वो सबसे सुंदर दिखे, सबसे अच्छी दिखे, सबसे मतलब खूबसूरत दिखे। ऐसा नहीं होता है, वो होता है, बट ऐसा होता है कि वो सब नहीं सोचते। तो कभी आप ये मत सोचिएगा, कभी आप अपने को ये हमेशा सोचिए कि हम सबसे खूबसूरत है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो आप सबके आगे ये मत सोचिएगा कि हम ऐसे, आप जैसे भी हैं, जैसे भी मेकअप करते हैं, जैसे भी हैं आप वैसे ही बहुत खूबसूरत है। बस अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानिए। आप आपके मन में बस ये बात आप सोचें, आप ये बात आप अपने मन में रखेंगे तो कभी भी किसी के भी के सामने कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं होगा। तो कभी भी किसी के सामने अपने आपको ये मत समझना चाहिए। तो ज़्यादा भाषण में अभी ज्ञान नहीं देती हूँ और चलिए वीडियो को स्टार्ट करती है। अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कैसे मैंने मेकअप आते नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है और मेकअप भी अच्छे से देखना है आपको। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और ढेर सारा इंजॉय करिएगा। और स्क्रब फेस अच्छे से कर लीजिए क्योंकि स्क्रब और फेस अच्छा रहता है, क्लीन रहेगा चेहरा अपना, तभी मेकअप अच्छा रहता है। अब मैं जा रही हूँ अपने चेहरे को, अपने स्किन को टोन करने। तो टोन करना बहुत जरूरी है। ये गुड वाइब्स का रोज टोनर है, गुड वाइब्स का रोज टोनर। तो टोन करने से हमारी स्किन का पीएच बैलेंस बराबर रहता है। तो टोन जरूर करना चाहिए। और टोन में स्प्रे करके गाइस की खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा टोनर है। इसके पहले मैंने यूज किया था अर्ब्स गुडनेस का। ये भी बहुत अच्छा कुकुम्बर टोनर है। तो ये भी बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सूट किया। मैंने नेक्स्ट इसको फिर से ऑर्डर किया है और इस बार मैंने ये गुड वाइब्स का रोज टोनर मंगाया। तो अपने स्किन को पहले टोन करना बहुत जरूरी है। टोन करने से हमारा पीएच बैलेंस बराबर रहता है। टोन करने के बाद इसको 2 मिनट तक से सूखने दीजिए। गाइस मैंने पंखा को बंद किया है क्योंकि पंखे के आवाज़ से वीडियो अच्छी नहीं बनती है। तो इतना सारा मैनेज करना पड़ता है। जब तक ये सूख रहा था तब मैं भंग कर लेती हूँ। तो इतना सारा मैनेज करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करा करें। और लाइक से हमें पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है आपको, हमें मोटिवेशन मिलती है और भी आगे अच्छा काम और भी अच्छी वीडियो बनाने की। तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक जरूर करिएगा। इसको रफ नहीं करना, ऐसे ही सूखने देना है। अब मैं जा रही हूँ मॉइस्चराइजर करने। ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर है, ये ऑयल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा है। नॉन स्टिक मॉइस्चराइजर है, स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी। मैं इतना सा लगा रही हूँ, बहुत अच्छा, मुझे बहुत सूट किया ये वाला। मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर और स्किन मॉइस्चराइजर है ये। तो फिर इसके बाद मैं अपने मॉइस्चराइज कर ले रही हूँ अपने चेहरे को। इस नेक को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। विंटर सीजन आ रहा है तो चेहरे को मॉइस्चराइज भी करना बहुत जरूरी है। चाहे विंटर हो या गर्मी हो, कोई भी सीजन हो, अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है। अच्छे से मसाज कर लीजिए। मैं यूज करने जा रही हूँ सीरम। ये गुड वाइब्स का विटामिन सी विटामिन B3 सीरम है। लगा रही थी। तो गाइस मैं सीरम लगा रही थी, फिर मुझे याद है मैं लिप बाम भूल गई थी, तो मैं लिप बाम लगा रही हूँ। तो लिप बाम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मेकअप करने से पहले आप लिप बाम लगा लें, जिससे आपका मॉइस्चराइज रहे लिप्स। फिर मैं सीरम लगा ले रही हूँ, अच्छे से मर्ज कर ले रही हूँ और 2 मिनट तक मसाज करना है। 2 मिनट या 1 मिनट तक मसाज करना है। और जब तक मिल ना जाए, अच्छे से सेट ना हो जाए, कोई भी हम मॉइस्चराइज़र या सीरम लगा रहे तो उसमें गैप सीरम लगाने के बाद 2 मिनट तक सेट रहने दे, 2 मिनट तक छोड़ दीजिए इसको सेट होने के लिए, तभी अच्छा से होगा। कोई भी लगा रहे हैं सीरम या मॉइस्चराइजर तो 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना चाहिए अच्छे से मिल जाने के लिए। तो वो भी 2 मिनट तक मैं इसको छोड़ देती हूँ। तब तक सीरम के बाद अब लगाएंगे प्राइमर। ये है एलिजिया का 24 HD प्राइमर, एलिजिया का 24 HD प्राइमर। ये भी काफ़ी अच्छा है, नॉन स्टिक नहीं है, ज़्यादा स्टिकी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। ऑयली ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए अच्छा। मेरी स्किन नॉर्मल है तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये जेल बेस का है, मैंने ये लिपस्टिक ली थी थोड़ी सी तो वो लगी है भी। ये जेल बेस प्राइमर है गाइस, बहुत अच्छा प्राइमर है, मुझे बहुत सूट किया। ये प्राइमर लगाना चाहिए, प्राइमर लगाने से हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ज़्यादा स्मर्च नहीं होता, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है मेकअप भी। तो प्राइमर जरूर लगाना चाहिए, अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। तो अब मैं जा रही हूँ फाउंडेशन लगानी। ये फिटमी का है, फिटमी फाउंडेशन का है, बहुत अच्छा मैट फिनिश फाउंडेशन है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है काफी देर तक। कोई ब्रश नहीं यूज कर रही, ना कोई ब्यूटी ब्लेंडर, मैं हाथ के मदद से ही लगा रही हूँ सारा मेकअप। नेक पे भी लगाना चाहिए, नेक कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। प्राइमर इतना लगा, मेरा मेकअप इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, यही होता है, मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाता है बहुत इजीली। मैंने फाउंडेशन लगा लिया अच्छे से। और आपको और भी कवरेज चाहिए तो इसकी एक और लेयर लगा सकते हैं। मुझे और कवरेज नहीं चाहिए, ठीक है मेरे लिए इतना। अब मैं लगाऊंगी कंसीलर। ये एनवाई का कंसीलर है। कंसीलर लगाना चाहिए डार्क सर्कल एरिया में, जहाँ भी स्किन डार्क है वहाँ आप कंसीलर लगा लीजिए, जहाँ भी आपकी स्किन डार्क है। तो मेरी ज़्यादा डार्क वो तो नहीं है अंडर आइज, तो भी मैं थोड़ा सा इसको लगाऊंगी। मैं ज़्यादा नहीं लगाती कंसीलर वगैरह, तो मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी। और यही मैं आई पे भी लगाऊंगी, आज आई कंसीलर यूज करूंगी। तो जहां जहां आपको लगे कि आपको लगाना चाहिए वहां वहां आप इसको लगा सकते हैं, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। आई में आप इसको इस तरह से लगा लिया। आई करी भी अक्सर डार्क रहता है थोड़ा, तो आई मेकअप अच्छे से उभर के आता है अगर आप इसको अच्छे से लगाएंगे तो। मैंने कंसीलर लगा लिया है थोड़ा सा अच्छे से। अब इसको मैं लूज पाउडर से थोड़ा सा कंसीलर को अपने सेट कर ले रही हूँ। कंसीलर को सेट कर लेना चाहिए, नहीं तो मर्ज हो जाता है, तो उसको अच्छे से सेट कर लेना चाहिए लूज पाउडर से या कोई भी कम्फर्ट पाउडर से। तो मैं इसको लूज पाउडर से ही सेट कर ले रही हूँ। तो मैंने सेट कर लिया। अब एक्सेस प्रोडक्ट को मैं बाद में रिमूव कर दूंगी। तो अभी मैं अलग करने जा रही हूँ कंटोरिंग करने के लिए मैंने एडीएस का ये कंसीलर पैलेट लिया है। इसमें कंटोनर और आईने का भी है और कंसीलर भी है और ये हाइलाइटर भी है, पिंकिश और ये पिंक और ये ग्रे जो अपने दाग रहते हैं उसको छुपाने के लिए होता है। मैं इसके यूजेस बाद में आपको बताऊंगी आगे के वीडियो में। फिलहाल ये पैलेट में मैं इसे पिक कर रही हूँ ब्राउन कलर का शेड और मैं हाथ से ही सारा करने वाली हूँ। ब्राउन कलर का पिक किया कंटोरिंग करने के लिए। अपने इसको यहाँ से कंटोर करना चाहिए कान के एरिया से, इस तरह से कि ऐसा लगे फ्लैट, तो ये निशान जो होता है वहाँ पे हमको ये लगाना चाहिए। तो पहले चलिए मैं कंटोरिंग कर लेती हूँ। नाक को भी कंटोरिंग कर ले रही हूँ मैं थोड़ा सा। इस तरह से करना है। ब्राउन कलर साइड साइड पे लगाना और जो व्हाइट कलर है वो बीच में लगाना है। और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा इसको मर्ज कर ले रही हूँ कि अच्छे से हो जाता है। इस तरह से कंट्रोल करने से समय इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि तो मैंने कंट्रोलिंग कर ली है। मैं थोड़ा सा अपने मेकअप को सेट करूंगी विंटर समय तो ज्यादा कंफर्ट वाले लगाने की जरूरत नहीं होती, बट थोड़ा सा सेट कर लेना चाहिए, सब मर्ज नहीं होता। तो ये मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। थोड़ा सा अपने मेकअप को सही सेट कर ले रही हूँ। नेक के एरिया को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैंने अपने मेकअप को सेट कर लिया। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं इससे ही ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा डैप करके इसको अच्छे से सेट कर लूंगी। अगर आपको लगता है ज्यादा तो मैं ये ले रही मेकअप फिक्सर, ये एनवाई का है, तो मैं यही ब्यूटी ब्लेंडर पे इस तरह से कर ले रही हूँ और से ही मेकअप फिक्स सेट कर ले रही हूँ अच्छे से। मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है और अच्छे से ज्यादा देर तक टिका रहता है और अच्छे से भी लग जाता है। तो इसको आप ट्रिक को अपना सकते हैं। मैंने अभी मेकअप को अपने सेट कर लिया। मैं करने जा रही हूँ थोड़ा सा ब्लश। ये है ब्लू हेवन का ब्लश। किसको नहीं लगता मेरे पिंकिश से गाल हो, तो थोड़ा सा ब्लश कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं नोज पे भी इससे पिंकिश सा कर लेती हूँ। तो मैंने गाइस ब्लश कर लिया। चलते हैं आई मेकअप। मैं ज्यादा आई मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बहुत हल्का सा आई मेकअप करने वाली हूँ। और आई मेकअप के लिए मैंने लिया है एडीएस का मेकअप किट। लॉट ऑफ इसमें बहुत सारे कलर हैं, तो इसे ही मैं मेकअप करने वाली। मैं तो पहले मैं अपने इसको ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ। अपने लिप के साइड में लगा ले रही हूँ। थोड़ा सा क्रीज लाइन बना लेना है। थोड़ा सा गोल्डन कलर ले रही हूँ और इसके गोल्डन कलर यहाँ पे नीचे लीडर में लगा ले रही हूँ। मेरा लहंगा गोल्डन कलर का है तो इसके लिए मैं गोल्डन कलर लगा रही हूँ। तो ये मैंने गोल्डन कलर लगा लिया है। देन मैं ये मेरा ब्लू कलर का है तो मैं थोड़ा सा इसमें ब्लू कलर लगाने करने वाली हूँ। देन मैं फिर गोल्डन कलर लूंगी और उसको अच्छे से मैं मर्ज कर दूंगी। मैं थोड़ा सा स्मोकी आई जाती हूँ तो इसके लिए मैं ब्लैक कलर का लूंग पिक करूंगी और थोड़ा सा स्मोकी बनाने के लिए स्मोकी आई के लिए मैं थोड़ा सा आउटर कॉर्नर में ब्लैक कलर का पिक करूँगी और आउटर कॉर्नर में ब्लैक कलर का लगाऊंगी और मर्ज कर लूँगी थोड़ा सा स्मोक। इसमें भी मैं वही ब्लैक कलर लगा ले रही हूँ। गाइस ये मेरा आई मेकअप रेडी है। मैं ज़्यादा आई मेकअप नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा हल्का से। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा वाइटिश गोल्डन लूँगी और अपने सारे में लगा लूँगी। थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी मैं इसको। तो बस इतना ही मैं करने वाली हूँ। अब मैं लगाने वाली हूँ लाइनर, क्योंकि मेरा ड्रेस जो मेरा लहंगा वो ब्लू कलर का है तो मैं ब्लू कलर का लाइनर लगाने वाली हूँ। ये NY का लाइनर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा कलर है और स्मर्च प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत देर तक अपने आईज पर लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो मुझे काफ़ी हद तक ये पसंद है, बहुत पसंद है। तो मैं इसमें थोड़ा सा विंग बनाने वाली हूँ लुक क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा नहीं। इसी तरह गाइस ये लाइनर बिगनर फ्रेंडली है तो बिगनर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा से इसका स्पंज बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से लाइनर लग जाता है। तो मैंने लाइनर लगा लिया। मैं आईब्रो को तब तक फील कर लेती हूँ जब तक ये सूख रहा है। थोड़ा सा आईब्रो फील करने के लिए मैंने लिया है NY का आईब्रो पेंसिल, इसे आईब्रो फील कर ले रही हूँ मैं। मदद से मैं इसको सेट कर ले रही हूँ अच्छे से। अब आप चाहे तो स्पूनी की मदद से भी कर ले सकते हैं, पर अभी फिलहाल इसमें स्पूनी नहीं मिल रहा है मेरा, तो मैं इससे ही सेट कर ले रही हूँ। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा लग गया तो आप इसको एक्सेस प्रोडक्ट को आप इस तरह से टिश्यू से फिर साफ कर लीजिए, एकदम नेचुरल सा लुक आएगा फिर। ये देखिए, इसके बाद देन फिर एक बार आप सेट कर लीजिए इसको। आईब्रो सेट हो गया है, अब मैं लगाने जा रही हूँ व्हाइट कॉजल थोड़ा सा। बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे बहुत अपनी आई बड़ी लगेगी। अब मैं लगाने जा रही हूं एनवाई का ब्लैक काजल। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी लगा ले आउटर लाइनर। नीचे ब्लू कलर लगाऊंगी, थोड़ा सा मर्च करूंगी। तो मैंने नीचे भी ब्लू कलर लगा लिया है थोड़ा सा। मैं लगाने जा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा को लगाने के लिए पहले इसको आप इस तरह से सेक कर लिया करें एक बार लगाते टाइम। लगा लिया अभी, मेरा मेकअप ऑलमोस्ट रेडी है, बस अभी हाइलाइटर की कमी है। तो चलिए हाइलाइटर लगा लेते हैं। और हाइलाइटर के लिए मैंने लिया है रेवलेशन का हाइलाइटर, सकते हैं नेक पॉइंट पे अपने हाईलाइट कर लूंगी सारा। मैंने हाइलाइटिंग कर लिया गाइस, ये कैमरे में नहीं कैच हो पा रहा, सच में गॉर्जियस सा लुक मेकअप निकल के आया, सिंपल और गॉर्जियस लुक निकल के आया, बट कैमरे में ऐसा कैच नहीं हो पा रहा है, बहुत ही गॉर्जियस सा लुक निकल के आया है। तो अभी चलिए मैं लिपस्टिक के बिना तो पूरा ही नहीं होगा, तो मैं लगाती हूँ आज रेड लिपस्टिक। तो है करवा में तो सब लोग रेड लिपस्टिक ही लगाएंगे, तो ये मैंने लिया था एनवाई का रेड लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक है गाइस, बहुत ही सुंदर सा कलर है, बहुत प्यारा कलर है। तो पहले मैं अपने आउटर लाइन को बना ले रही हूँ, उसके लिए मैं लिप लाइनर ले रही हूँ। फिर मैं सेम कलर की लिपस्टिक ले रही हूँ। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ही फेवरेट है मेरा ये कलर। तो कलसीना से अपने ये जो भी एक्स्ट्रा लग जाता है लिपस्टिक, उसको मैं थोड़ा सा सेट कर ले रही हूँ। जो भी अपना लगता है कि मेरे दांत में लग गया, तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाते हैं, तो इसको आप 2 बार करिए। अभी अच्छे से लग गया लिपस्टिक हमारा। तो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैं फिक्सर की मदद से थोड़ा सा अपने मेकअप को फिक्स कर ले रही हूँ। तो ये एनवाइप का फिक्सर है। फिक्सर को कभी इतने दूर पे ही रख के करना चाहिए, पास में नहीं रखने तो बहुत वो हो जाता है, तो दूर पे रख के करिएगा। ब्यूटी ब्लेंडर में से थोड़ा सा डैप डैप करके इसको कर लीजिए। गाइस, मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, मैंने फिक्सर भी कर लिया है। अब चलिए मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये था मेरा मेकअप, मेरे ब्लू कलर का था, तो मैंने थोड़ा सा ब्लू आई मेकअप क्रिएट किया है। तो गाइस, ये था मेरा फाइनल लुक, और मैंने ऐसे लुक क्रिएट किया। ये चूड़ा पहना है, मुझे चूड़ा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद, और चूड़ा ही ज़्यादा पहनती हूँ अक्सर। मुझे चूड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और ये यहाँ तक है एक्चुअली में, बट मैंने अभी ये थोड़ा ही पहना नहीं डाला है। तो मैं अक्सर पूरा डाल लेती हूँ, बट अभी मैंने इतना ही डाला है। और ये था मेरा फाइनल लुक। आप चाहे तो ऐसे जूड़ा बना के कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही सिंपल जो मैंने पहले लुक क्रिएट किया था वैसे कर सकते हैं। अगर जो ऐसा भी पसंद है, आप ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। कि तैयार होके, लॉकडाउन है, सब लोग ये सोचते हैं कि अरे मेकअप करें, 2-4 लोग नहीं देखेंगे तो कैसा होगा, मेकअप का मतलब वैसा वसूली नहीं होगा। तो ऐसा सब लोग लेडीज सब लोग सोचती है, सबकी सोच एक जैसी होती है हम लेडीजों की, बट ऐसा नहीं है। हम लोग अपने लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ऐसे ही लुक क्रिएट करिए, करवा में खुश रहिएगा, हैप्पी रहिए, और ढेर सारा एंजॉय करिए करवा में। और डोंट फॉरगेट मी लाइक और सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब और लाइक माय चैनल। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, और आप कैसा तैयार होना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अच्छा लगता है तो फ्रेंड में शेयर करिए, जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, तो फ्रेंड में शेयर करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेक श्योर आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी करवा चौथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करिए, बाय।